रहमत फजल और करम के साथ करते हैं अपने व्लॉग सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 का शुरुआत। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको एपिसोड अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब और करना है बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। तो अब हमारे यहाँ लेक व्यू पार्क में, लेक व्यू पार्क का थोड़ा सा आपको नज़ारा करवाते हैं और शाह साहब के कुछ अभी इधर इस पॉइंट के ऊपर शाह साहब के कुछ शेर व शायरी आपको सुनाएंगे, लाजमी तौर पर सुनाएंगे। और शाह साहब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी शेर व शायरी की। तो अभी पहले उससे पहले आपको थोड़े से व्यूज़ दिखाते हैं लेक व्यू पार्क के, देन आगे आपको शेर व शायरी भी सुनाते हैं। नहीं होने की वजह से इस वक्त बहुत बुरे हालात स्टूडेंट्स के। ये हमारे फौजी भाई साथ, मुझे नाम नहीं आता, सैयद जाहिद, डेविड एंड कासम। नीचे भाई क्यों बैठे हो? वैसे क्यों मजा है आप नीचे यार? भाई ये गरी देने आ गए हैं। और आप अब क्या खाओगे? पानी पीऊंगा। पानी पियोगे? पहले पानी पियोगे, कुछ और तो नहीं पीते? नहीं, जैसे आपकी शक्ल है मुझे तो लगता है कुछ और पी रही हो। अभी कश्ती रानी करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर जाके, तो मजीद हल्ला गुल्ला करेंगे उसके साथ। तो अभी बड़ी शदीद इस वक्त गर्मी है और कश्ती रानी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो सर्दी का एहसास भी होगा, क्योंकि पानी के साथ हमने करनी है। तो अभी चलते हैं उधर, देखते हैं फिर। यहाँ पे मैं, हुसनैन भाई और उनके कुछ स्टूडेंट्स कश्ती रानी में कश्ती का सफ़र का मज़ा ले रहे थे, और साथ स्टूडेंट्स थे कुछ, वो गपशप पीछे लगा रहे हैं मेरे और मैं आगे बोलता जा रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने माइक लगाया हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उसमें आवाज़ आई। लेकिन जब बाद में देखा तो वो जो एक वायरलेस लगता है उसके साथ, वो उसकी पिन हिल गई हुई थी। पीछे बच्चे अगर देखा जाए तो बड़े ध्यान से अपनी पिक्चर्स बना रहा है, और अब पता नहीं बच्चे ने क्या ऐसा देखा है पीछे, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन मेरा उस वक्त आगे ध्यान था, लेकिन पीछे से ना हुसनैन भाई भी थोड़ा सा बीच में से डर रहे थे उस, क्योंकि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसमें कश्ती रानी में। लेकिन मैंने आगे भी किया हुआ था, तो मैं हुसनैन भाई को कुछ तसल्ली थोड़ी सी दे रहा था। हुसनैन भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप हौसला रखें, आपको मज़ा आने वाला है इस सफ़र का, बहुत मज़ा आने वाला है। और इधर माइक मैं चला रहा था, लेकिन माइक पता नहीं क्यों नहीं उसमें आवाज़ आई, समझ नहीं आई, बस आवाज़ नहीं थी आ रही उसमें, बहुत मसला रहा हर तक। क्या है हुसनैन भाई का? हुसनैन भाई बच्चों से पूछें कैसा रहा एक्सपीरियंस। कैसा एक्सपीरियंस है भाई साहब? बहुत अच्छा रहा, पहली बार थी या पहले भी था? पहली दफ़ा थी, पहली बार थी, पहली दफ़ा मज़ा आया, मज़ा आया। और जिसकी चौथी दफ़ा वो किधर है? अरे भाई साहब ये चौथी बार है, मुबारक हो सर, चार बार आप बुकिंग करनी है, पहली बार थी। क्या सारा एक्सपीरियंस? कोई डर वगैरह? कोई डर करते हुए थोड़ा सा कौन ही है, लेकिन ओवरऑल मज़े का एक्सपीरियंस है। तो यही है ना, मैंने यही इसलिए आपको बोला है। वालेकुम शाह साहब, बड़ी देर बाद नजर आए हैं व्लॉग में, मैंने आप बना लिया तो आप आए हैं व्लॉग में। बस देखें आप मिलते ही नहीं, आप बड़े लोग हो गए हैं डिग्री के बाद। नहीं, डिग्री के बाद बड़े लोग तो नहीं हुए, आपके भाई के साथ ही ज़्यादा व्लॉग बन रहे हैं आज, और उनके साथ ही लगा हुआ हूँ। तो आपको मैंने सोचा कि अब आप
आप बाप के साथ ना एंड तक करते हैं गुच्छे और दामने को पे, तो आपकी पोइट्री भी होनी है ना। और इधर अगर करना चाहते हैं तो इधर भी काट सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर मैं आपको मशवरा यही देता हूँ दामने को वाला। अब दामने को मेरा दिल बिला तहीर निकलते हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया, अभी उस इसी वक्त उधर माहौल नजर आने हैं इस्लामाबाद का। और बिला तहीर क्योंकि हमारे गाड़ी वाले ने भी आपको पता है ना अभी क्या पता नहीं उधर करता है, तो मेरा दिल है बिला तहीर अभी दामने को की जानिब निकला जाए। तो शाह साहब कुछ एक आध एक छोटा सा Thank you.